नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके खेती ज्ञान में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की फसल में इल्ली को ख़त्म कैसे करें। जी हाँ साथियों, चने की फसल होती है उसमें इल्ली का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उससे फसल जो है बहुत खासी प्रभावित होती है। उसके लिए इल्ली का निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चने की फसल में इस प्रकार के डोड़े बनने लग जाए तो उस समय का इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय आपको उस पर एक इल्ली का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि चने का पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। ये देखिए, इस प्रकार से इल्ली चने के जो है डोड़े को नुकसान पहुँचाती है और उसमें जो उत्पादन कासा प्रभावित होता है। तो उसके निवारण के लिए आज हम बात करेंगे कि कौन सा स्प्रे आपको चने की फसल में करना है। साथियों, आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय से मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि चने की फसल पर इल्ली को मारने के लिए कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। साथियों, चने की फसल पर इल्ली के निवारण के लिए हमने सबसे पहले लिया है स्टार क्लेम का है ये इंसेक्टिसाइड। इसका जो है फार्मूला है वो है इमामेक्टिन, इसमें मेन है ये देखिए स्टार क्लेम का इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG है ये। ये अपने को लेना है, ये 250 ग्राम का पैकेट है और ये एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। 1400 रुपये इसकी कीमत है और इमामेक्टिन कीटनाशक है ये। ये देखिए, इल्ली को मारने के लिए बहुत ही कारगर है ये 250 ग्राम का पैकिंग और ये एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। उसके बाद अपने को लेना है इल्कोर्न प्लस, प्रोफेनोपास 40% और साइफरमेथ्रिन 4% EC। ये भी इंसेक्टिसाइड है। ये दोनों हमने लिए हैं। इन दोनों को अच्छी मात्रा में मिलाकर जो है अपने को चने पर स्प्रे करना है। ये देखिए, तो बहुत लंबे समय तक चने पर ये इल्ली का जो है रोकते हैं और बहुत ही कारगर उपाय है ये। ये दोनों दवाई को मिलाकर अपने को स्प्रे करना है जिससे कि चने की फसल में इल्ली को जो है ख़त्म किया जा सके। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।